हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, SBIPO मेंस का एग्जाम अभी 29 जनवरी को कंडक्ट हुआ और काफी लोगों ने अपने अपने इनपुट शेयर किए कि पेपर कैसा था, कितने क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए। तो एक मैंने पोल कंडक्ट करवाया था कि अपने SBIPO मेंस के अटेम्प्ट आप जरूर शेयर करें। तो 65 से कम, ये 21% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि लेस देन 65 हम अटेम्प्ट कर आए आउट ऑफ 200। ठीक है, क्योंकि पेपर में 200 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव है, 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव था। ठीक है, अब यहां पर बाकी आप और लोगों को देखोगे तो लगभग 82 से ऊपर, ये 13% ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम 82 से ऊपर पेपर को अटेम्प्ट कर आ रहे हैं। बाकी बीच के लोग हैं जो 66 to 74 हैं, 75 to 81 हैं। ये सैंपल साइज काफी छोटा है क्योंकि 10-12 हजार लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें मैक्सिमम लोग तो पोल देखने आ गए थे। लगभग 6 हजार लोगों ने यहां पर अपने अपने इनपुट दिए, 6000 लोगों का ये डेटा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जब आपकी कट ऑफ आती है तो वो कट ऑफ तो 250 में से आती है। कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कट ऑफ लो होगी या फिर कैसी होगी। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की, ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में अगर हम दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब ऑब्जेक्टिव की कट ऑफ को, डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ को, तो ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 100 का आंकड़ा ये टच कर सकती है। ओके, लेकिन अगर आप केवल केवल इस पोर्शन की बात करोगे, क्योंकि यहां पर कुछ क्वेश्चन आपके अलग अलग बेटेस के होते हैं, जैसे कि आप DI कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें केवल 35 आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके दोस्तों 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है वो एक नंबर से ज्यादा का वेटेज रखता है। अब जैसे आप रीजनिंग बनाओगे तो रीजनिंग में जो 45 क्वेश्चन होंगे वो 60 नंबर के होते हैं। तो अगर आप एज्यूम कर लो कि क्वांट में आपने अगर 5 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, आपको इससे ऊपर ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का वेटेज है वो आप इसी रेशियो में निकाल सकते हो कि 35 क्वेश्चन है वो 60 नंबर के टोटल हो जाते हैं, तो एक क्वेश्चन की क्या वैल्यू आएगी, उसी हिसाब से आपके 5 नंबर से ऊपर ऑब्वियसली मार्क्स आएंगे। इन द सेम वे ये यहां पर भी रहता है। बाकी जो आपका जनरल अवेयरनेस है वहां पर 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं, और जो इंग्लिश है वहां पर 35 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं। तो अगर कोई पर्सन बिल्कुल सटीक सही तरीके से अगर वो 60 भी बनाकर आया, तो ऐसा नहीं कि उसको 60 नंबर मिलेंगे, उसको नंबर यहां पर उसके बढ़े हुए मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मार्क्स का जो इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब यहां पर मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मेजोरिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो पेपर ऑब्वियसली बहुत टफ था। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे के सारे लोग 82 या इससे ऊपर कर आएंगे। तो पहले मैं आपको कुछ लास्ट ईयर की कट ऑफ दिखाना चाहूंगा ताकि आप थोड़ा सा कंपेयर कर लें। ये मैंने भी ऑलिव बोर्ड के वेबसाइट से डेटा को निकाला है, 2019-17-18 है, मतलब 17-18-19 तीन साल का डेटा है। तो केवल हम मेंस का देखेंगे, SBIPO प्रीवियस कट ऑफ मेंस की है ये दोस्तों 250 में से। आप यहां पर देख लो, जनरल की कट ऑफ 104.42, ये SBIPO की कट ऑफ थी। SC ST आप देख लो 82 77.63, ये 250 में से था। ठीक है, अब एग्जैक्टली यहां पर मैं बता नहीं सकता हूं कि कितना इन्होंने जो है डिस्क्रिप्टिव लिए रखा था, क्योंकि जो डेटा है वो डायरेक्टली कंबाइंड है। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाओगे देखो, तो इसमें अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में इन्होंने ये मेंस की कट ऑफ है, ठीक है, मेंस की कट ऑफ थी अनरिजर्व की 93.1, तो पेपर ऑब्वियसली बहुत अच्छा आया था। अब सब कुछ ये 250 में से मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखो 250 में से 93.1 कट ऑफ है। अब अगर इस बार की हम बात करें, वैकेंसीज भी ऑलमोस्ट इक्वल हैं, लास्ट ईयर भी 2000 के आसपास, इस बार भी 2000 के आसपास। ठीक है, पेपर का लेवल लास्ट ईयर से मुझे थोड़ा सा प्रो लेवल लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने रिपोर्ट किया कि क्वांट में 0, 2, 4, 6 ऐसे नंबर बन रहे हैं, ठीक है, पेपर और GA जिस तरीके से रिपोर्ट किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी भी दोस्तों सिचुएशन बन सकती है कि ये 93.1 ये 250 में से है ना, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस बार 85 के नियर अबाउट में फिगर्स हमें देखने को मिल जाए, प्लस माइनस 4-5 नंबर हो सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है, ओके, क्योंकि पेपर बिल्कुल अलग नेचर वाइज आया हुआ है और जिस तरीके से लोगों ने रिपोर्ट किया है वो ऐसा ही है। तो ये 2018 का मैं आपको सीन बता रहा हूं, जब पेपर काफी टफ आया था उस समय की ये सिचुएशन है। ओके, अगर आप थोड़ा सा और जाओगे नीचे तो 2017 तो बहुत पुराना हो जाएगा। अब जैसे मैं यहां पर यही दिखाना आपको चाह रहा था कि कैसे क्या इन्होंने स्कोर का बना रखा है, देखो उस समय पर तो अलग अलग कट ऑफ डिसाइड होती थी कि इतनी इतनी कट ऑफ रखी जाती है, लेकिन अब जो है सेक्शन में कोई कट ऑफ नहीं है, मतलब जो अल्टीमेटली आप बनाकर आ रहे हो वही आपका स्कोर होता है। ऐसा नहीं है कि इतने नंबर इस सेक्शन में आपको लाने, अगर आप कहीं पर 2 ला रहे हो 4 ला रहे हो, इट डजेंट मैटर, ओवरऑल आपके मार्क्स जो हैं वो उनकी कट ऑफ से ऊपर होने चाहिए, ये आज के समय में चल रहा है। तो जैसा कि लोगों ने अपने अपने इनपुट दिए, कुछ लोगों के कमेंट्स यहाँ पर देख लेता हूँ, मीडियम वाले कम है और अपर वाले ज़्यादा है, SBIPO का कमाल है, टफ एग्ज़ाम, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था, 68 इन्होंने यहाँ पर बनाया, मैथ्स में 0, ठीक है,
पेपर अच्छा नहीं था, मतलब काफ़ी लोगों ने अपने अपने अलग अलग रिव्यूज़ दिए हैं। अब देखो दोस्तों, ये सैम्पल साइज छोटा है, लेकिन इससे हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली इतनी ही कट ऑफ होगी, लेकिन हाँ जिस तरीके से पेपर का फ्लो लग रहा है, तो अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर 65 से लेकर अगर हम बात करें 70 या 72 तक, ऐसे फिगर हमें आउट ऑफ 200 देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव वगैरह लग जाएगा तो हो सकता है कि ये 85, 80s या फिर 87 इसके इर्द गिर्द में ये कट ऑफ आपकी देखने को मिले। बाकी जब रिजल्ट आएगा तब सारी चीज़ें पता चलेंगी। और आपका ओपिनियन क्या है आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पेपर ऑलमोस्ट बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था। वैसे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे क्योंकि वहां पर पेपर कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो आप लोग की जो भी ओपिनियन हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना। बाकी आगे जो भी एग्जाम्स हैं इस पर अच्छे फोकस करना है हम सभी को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।